हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शमा खान। वेलकम टू शमास किचन। आज मैंने बनाई है बहुत ही डिलीशियस यमी 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 यमीलेशियस मसाला मैगी। मैं अपने स्टाइल में बनाया है, मेरे अपने स्टाइल में जो मैंने ये मैगी बनाई है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल होने वाले हैं नूडल्स के फैन। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इसे कैसे बनाते हैं और इसके फ्लेवर्स इतने अच्छे होते हैं, आप बिल्कुल 2 मिनट में इसे बना सकते हैं। बहुत ही यमी होता है मैगी, तो बच्चों का फेवरेट होता है और उनके साथ साथ बड़ों का भी फेवरेट होता है। तो इसे ज़रूर बनाएं। और आपको अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो चलिए यमी यमी मैगी मसाला बनाने के इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। मैंने लिया है एक छोटा सा टमाटर, उसे मैंने चॉप कर लिया है। ये है स्प्रिंग अनियन, थोड़ी सी ली है मैंने। ये मैंने लिया है शिमला मिर्च, कैप्सिकम। ये है चिंग्स चाइनीज का शेजवान चटनी, ये मैं 1 टेबलस्पून डालूंगी। ये मैंने ली है 2 पैकेट मैगी, जिसके साथ मैंने लिया है 2 पैकेट टेस्ट मेकर। मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबलस्पून धनिया। ये मैंने ऑयल ले लिया है। ये स्प्रिंग अनियन की ओनियन है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। ये मटर है, ये है गाजर। तो चलिए मैगी मसाला बनाते हैं। तो चलिए, हमने एक पैन गैस पे रख दिया है, गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। पैन हमारा हल्का गर्म हो चुका है, इसमें मैं डालती हूँ ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें डाल देते हैं अपनी अनियन और ऐसे एक चम्मच चला लेंगे। फिर हम इसमें अपनी डाल देंगे गाजर, इसे भी अच्छे से सौते कर लेंगे। अच्छे से सौते कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे मटर, अब हम डालेंगे कैप्सिकम, अब हम इसमें अपनी स्प्रिंग अनियन डाल देंगे, आधी डाल देंगे और थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे अपने टोमेटोस, अब 1 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। तो चलिए 1 मिनट के लिए इसे पका लेंगे, लिड लगा लेते हैं हम और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1/2 टेबलस्पून हल्दी, थोड़ी सी डालूंगी मैं मिर्च क्योंकि शेजवान चटनी भी डाल रही हूँ, धनिया पाउडर 1/2 टेबलस्पून, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और इसी के साथ मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी नमक, क्योंकि टेस्ट मेकर में भी नमक होता है मैगी के। मैंने मैगी के 2 पैकेट लिए हैं इसलिए मैं 2 टेस्ट मेकर भी लिए हैं उसके। तो चलिए इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। इसे मिलाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टेस्ट मेकर, ये 1 पैकेट ऐड कर दिया मैंने। ये 2 पैकेट भी ऐड कर देते हैं, अच्छे से मिला लेंगे। 5-6 सेकेंड के लिए ऐसे ही चम्मच चला लेंगे। देखिए ये सारे मसाले अच्छे से मिल चुके हैं, सब्जियां भी हमारी लगभग पक चुकी हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप पानी,
देखिए मैंने 2 कप पानी ऐड कर लिया है, इसे मैं एक बार अच्छे से चम्मच चला लूँगी। और इसके लिड लगा लूँगी। लिड लगाने के बाद हमें एक बॉईल आने तक पकाना है। फ्लेम मेरा मीडियम लो पे है। जैसे ही एक बॉईल आएगी हम अपनी मैगी ऐड करेंगे। तो चलिए बॉईल आने का मैं वेट करती हूँ। देखिए बॉईल आ गई, मैं लिड खोल देती हूँ। ज़रा धीरे से खोलें सीधा। तो चलिए हम इसमें अपनी मैगी ऐड कर लेते हैं। आप इसे जैसा तोड़ना चाहें तोड़ सकते हैं, लंबा या बीच से जैसा भी तोड़ना चाहें। मैगी को मिला लिया है, अब हम इसके लिड लगाएंगे और इसे 2 मिनट तक हम पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम। तो देखिए 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, ज़रा खोल कर देखते हैं। वाओ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसमें हम ऐड कर लेंगे अपनी शेजवान चटनी। आप आधा टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं अगर आप थोड़ा तीखा खाते हैं तो। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो प्लीज़ 1/2 टेबल स्पून ही ऐड करें, क्योंकि हमने मिर्च पाउडर भी ऐड किया है। और अगर आपके पास शेजवान चटनी नहीं है तो आप मिर्च पाउडर से ही काम चला सकते हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी मैगी। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बिल्कुल बन चुकी है। वेजीज भी हमारे बन चुके हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली कलीग्स के साथ शेयर करें। और ये मैगी ज़रूर 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 बनाएं, ये बहुत डिलीशियस बनती है, फुल ऑफ वेजीज है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगी।